सोसाइटी से बाहर आके देखो कितनी नॉर्मल लाइफ हो जाती है, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है। भाई मसूरी वाले पहाड़ नहीं दिख रहे मुझे, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकता। ये सस्ताधारा रोड देख लो भाई, ये टेम्परेचर, ये डार्कनेस, यहाँ पे इतने ज्यादा पेड़ हैं, कुछ दिनों में कट जाएंगे ना तो फिर नहीं दिखाई देंगे। ये देख लो, पैसिफिक के बाद आ गए हैं ऊषा कॉलोनी। ये ISPCS कॉलोनी है पूरी, मतलब ये पूरे मतलब जो अधिकारी होते हैं ना, जैसे चीफ जस्टिस या उस तरह की सोसाइटी है ये पूरी। और घर देखो भाई, एक से एक। देखो भाई करोड़ों के घर हैं यहाँ भी और वहाँ भी, बल्कि यहाँ महंगे हैं, पर इससे अच्छी सोसाइटी वो थी पैसिफिक। यहाँ पे एक रूखापन सा है, यहाँ पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई क्लब हाउस नहीं है, कुछ नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, स्पेस रूम नहीं है, टीटी रूम नहीं है, लाइफ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस एक एटीट्यूड है कि हाँ हम जज हैं, हम IAS हैं, हम IPS हैं, ये देखो मेरी कोठी, कॉम्पिटिशन चलता है यहाँ पे, मैं उससे ऊपर, मैं उससे ऊपर। मुझे तो नहीं अच्छी लगती ऐसी सोसाइटी बिल्कुल भी, पता नहीं लोगों को क्या अच्छा लगता है यहाँ पे, बस घर दिखा रहे हैं, लाइफ ही है नहीं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, एडजस्ट कर लेना। ये यहाँ पे बंद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक कोना दिखा दूँ। मैंने सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप महसूस कर सको यहाँ की आवाज। चलो चलते हैं बागे की तरफ। चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और जितने भी यहाँ अधिकारी ISPCS, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को अलाव है यहाँ पे रहना और किसी को अलाव नहीं है प्लॉट खरीदना है, घर बनाना। इसलिए ये ऊषा कॉलोनी है, ऑफिसर्स कॉलोनी है, क्लास वन ऑफिसर ही हैं जितने भी हैं और रिटायर हैं सब, एक से एक पोस्ट पे। इवन यहाँ पे पता है कैसा होता है, मेरा भाई आर्किटेक्ट है तो उसने ना काफी मकान बनवाए हैं यहाँ पे, तो वो बताता था जैसे एक कोठी बन रही है तो नया नया कोई आएगा अधिकारी और बराबर वाला भी अधिकारी होगा, वो अपने एटीट्यूड में ना मतलब उसको रुकवाएगा काम को, उसको डांटेगा धमकाएगा कि आप ऐसा नहीं बना सकते, आप इलीगल बना रहे हैं, ये थमला नहीं निकालना, ये सरिया नहीं निकालना। तो वो क्या करता है, जो बनवा रहा होता है वो भी अधिकारी होता है, वो फिर अपनी औकात दिखाता है, वो कहता है तुझे तू अधिकारी है, मैं भी तो अधिकारी हूँ, फिर वो पीछे हट जाता है पहले वाला। तो ऐसे से किस्से बहुत हुए हैं यहाँ पे, मुझे तो हंसी आती है जब मेरा भाई बताता है कि ऐसे से किस्से यहाँ पे होते हैं। अच्छा ये वाली गली भी बंद है, तो आप समझ सकते हो कि जो सरकारी अधिकारी है उसके पास इतना पैसा, इतना घर, इतनी धन दौलत। ये भी बन रहा है, दो बन रहे हैं, काफी बड़ी सोसाइटी है लेकिन मजा नहीं आ रहा घूमने में। जो पैसिफिक गोल्फ के मजे है ना, वो यहाँ पे मजे नहीं है, बिल्कुल भी मजे नहीं है, सब रूखा रूखा सा है, सब अपने घरों के अंदर है, नो सोशल लाइफ। इस तरफ से चलूं, इस तरफ से तो आया था मैं, इस तरफ से चलना है। इस तरह की सोसाइटी तीन है यहाँ पे, एक तो ATS, वो इससे थोड़ा सा डाउनग्रेड है, और एक है पंचशील बोलते हैं, या पनास वैली, और एक है ये ऊषा कॉलोनी। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा टॉप है वो ऊषा कॉलोनी है, फिर शायद पनास और फिर ATS, दोनों बराबर सी हैं। मुझे तो दोनों ही अच्छी मतलब अच्छी लगती, मुझे तो ये भी ठीक लगती है। बस इस ऊषा कॉलोनी के गेट के बराबर में ठीक एक सोसाइटी है, ससदारा हाइट। सो, अभी भाई मैं ऊषा कॉलोनी से निकल के आ गया हूँ सीधा तिब्बती कॉलोनी से, जो यहाँ पे एक हमारे घर के पास ना एक तिब्बती कॉलोनी है जहाँ पे सब तिब्बत पीपल रहते हैं। तो बहुत दिनों बाद मुझे मन किया यहाँ पे एक पार्क है, देखते हैं यहाँ पे कैसा कल्चर है, किस तरह के लोग हैं, लोग क्या करते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे खेलते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं लोग, यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वाह खेल रहे हैं, वाह बास्केटबॉल को कितना अच्छा लग रहा है भाई, सब घूम रहे हैं, सब खेल रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। ओ भाई कितना बड़ा साउंड आ रहा है, मार ना दे।
यहाँ पे मुझे नहीं पता किस तरह का डांस चल रहा है या किसी फेस्टिवल की तैयारी चल रही है। स्पीकर रखा हुआ है और सब डांस कर रहे हैं। तो ये एक देहरादून सिटी का भी एक कल्चर है यहाँ पे। जैसे मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि तिब्बत के काफ़ी लोग रहते हैं, गढ़वाली भी रहते हैं, कुमाऊनी भी रहते हैं, फॉरनर भी रहते हैं और देसी भी रहते हैं, प्लेन के भी रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो आज काफ़ी मेरे घर के पास ही है मोनेस्ट्री, आज मौका मिला। ये देखो इस लड़की ने कैसी ड्रेस पहनी है, बिल्कुल तिब्बती स्टाइल की। डांस चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है डांस। देखते ही देखते भाई ग्रुप कितना बड़ा हो गया, कुछ लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 लेडीज एक साथ डांस कर रही हैं यहाँ पे। तो भाई अब ग्रुप देखो कितना बड़ा हो गया है, अब ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारी लेडीज ने। पर यहाँ पे ना मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बॉयज यहाँ पे नहीं है। मुझे अंकल जी ने बताया जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे इनको भी स्ट्रेंज लग रहा है कि कोई लड़का नहीं है यहाँ पे। बॉयज हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए है, कोई भी आ सकता है। बॉयज उधर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, हो सकता बिजी हैं लड़के, अभी यहाँ पे है नहीं। एक ग्रुप अंदर बना हुआ है स्पीकर के पास, वो डांस कर रहा है। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, इसका नाम क्या है, द्रोदलिंग लखेंग, सॉरी यार मुझे मतलब ये नाम ना तिब्बती नाम को थोड़े से हार्ड होते हैं और मुझसे नहीं बोले जाते। और वहाँ पे एक स्तूपा है सामने। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। और भाई तिब्बती फ्लैग देखो, कितने तिब्बती फ्लैग हैं यहाँ पे। तो ये ग्राउंड है, इसका नाम क्या है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये मोनेस्ट्री इधर थी और बास्केटबॉल कोर्ट इधर था जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी हो रही है। और चुटकू तुम्हारा नाम क्या है, ऋषि क्या लीसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वाई ई ही एच, अच्छा ही सी। सॉरी मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैंने ही जी का नाम ठीक बोल दिया, ही जी। अब मैं बार बार नहीं बोल रहा, वरना एक बार ये गलत बोल ही देगा कि तुम गलत बोल रहे हो। भाई इन लड़कों को बास्केटबॉल खेलते हुए मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, मतलब नहीं मिलता खेलने को। मुझे यही लाइफ चाहिए कि कम से कम एक डेढ़ घंटा पसीना बहा जाए और इस तरह से खेला जाए। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो इस तरह से खेलते हैं। मेरा तो मन कर रहा है डेली यहाँ पे आ जाऊँ बास्केटबॉल खेल। ये यहाँ का लोकल मार्केट, तो ये सोसाइटी थी भाई। ये जो मार्ग का नाम है ना जिस सोसाइटी के अंदर, मैंने अभी बोर्ड देखा वहाँ पे लिखा हुआ कारगिल शहीद सिपाही जिग्मे सोनम जिग्मा मार्ग है ये, इसका नाम। अच्छा लग, बहुत तिब्बती लोग ना इंडियन आर्मी में भी हैं और जो कि शहीद हुए हैं देश के लिए। इन लोगों के लिए मेरे मन में एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है। A few moments later. माइलो इधर आओ। माइलो घर में घुस गया भाई बहुत दिनों बाद। माइलो इधर आओ, तुम बहुत दिनों बाद घर पे आए हो, इधर आओ। ये रहा। अच्छा।